नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्रीराम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे पिछले वीडियो में हमारे चैनल के एक सदस्य थे, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई जी आप नर्सिंग के साधना उपलब्ध करवाइए, बहुत समय से कमेंट कर रहे थे वो, तो हम उन्हें नर्सिंग साधना उपलब्ध नहीं करवा पाए थे क्योंकि बहुत कम समय मिल रहा था पिछले समय में हमें, तो उस कारण हमें आपको वीडियो भी बहुत कम उपलब्ध करवा रहे थे। तो हम आपको जो है आज इस वीडियो में नरसिंह साधनाएं उपलब्ध करवाने वाले हैं। अब देखिए, नरसिंह भगवान की जो साधनाएं होती हैं, ये कई साधनाएं होती हैं भाई। सात्विक साधना भी होती है और इनकी एक तामसिक साधना भी होती है। अब जहाँ पर आप सात्विक साधना करोगे तो वो थोड़ी सौम्य पड़ जाती है, थोड़ी बहुत सौम्य पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो है इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ देखने को नहीं मिलती। वहीं पर अगर आप नरसिंह भगवान की उग्र साधना करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लेवल पर उग्र होती है, क्योंकि नरसिंह भगवान का स्वरूप को आप सभी लोग जानते हैं कि वो इतना ज़्यादा उग्र है कि सभी देवी देवता भी उनसे कांपते हैं। इनको शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को भी सर्वेश्वर अवतार आकाश भैरव का अवतार लेना पड़ा था। तो इसलिए नरसिंह भगवान की जो साधनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा उग्र होती हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग नरसिंह भगवान का कोई प्रयोग जल्दी से देते भी नहीं हैं, क्योंकि इनके प्रयोग में अगर कुछ गलती हो जाए तो फिर आपको जो है कुछ गलत परिणाम भी भुगतने पड़ जाते हैं। इसलिए भी मैं भी जो था वो आपको उपलब्ध नहीं करवा रहा था। एक बार मैंने थोड़ा सोचा भी था कि भाई इस साधना को रहने देता हूँ, लेकिन हमारे जो चैनल के सदस्य हैं वो कमेंट कर रहे थे, तो हमने सोचा है भाई अब जब ये कमेंट कर रहे हैं तो इन्हें नरसिंह भगवान की साधना उपलब्ध करवानी चाहिए। तो जो हम आपको साधना उपलब्ध करवाने वाले हैं उस साधना में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो भी काम आपका है वो काम आपका सफल हो जाएगा। अब देखिए, नरसिंह भगवान की साधना कोई सामान्य साधना नहीं है, ये बहुत ही उच्च लेवल की साधनाएँ होती है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की साधना थोड़ी उग्र भी होती है, क्योंकि इनका स्वरूप भी उग्र है। वैसे तो ये अपने भक्तों के लिए हमेशा सौम्य ही रहते हैं, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रहलाद भक्त की रक्षा के लिए खंभे फाड़कर सामने आए थे नरसिंह रूप में। उसी प्रकार से जब भी इनका भक्त किसी भी मुसीबत में रहता है तो ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में जरूर उपस्थित हो जाते हैं। और देखिए, दक्षिण और पूर्वी भारत में आप देखोगे तो वहाँ आपको भगवान नरसिंह के बहुत ज़्यादा उपासक मिलेंगे, बहुत ज़्यादा उनके मंदिर और उनकी साधनाएँ भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि उनको वहाँ पर जो है रक्षा का देवता माना जाता है। माना जाता है कि नरसिंह भगवान जो है हर प्रकार से संकट से रक्षा करते हैं, और बिल्कुल सही बात भी है। जो भी साधक नरसिंह भगवान की साधना करता है या फिर जो भी व्यक्ति इनकी पूजा करता है, नरसिंह भगवान उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या फिर कोई भी शत्रु जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नरसिंह भगवान अगर कोई भी व्यक्ति उनके भक्तों को नुकसान पहुंचाता है तो नरसिंह भगवान जो है वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और उस व्यक्ति को दंड जरूर देते हैं। तो नरसिंह भगवान की साधना आप किसी विशेष कार्य के लिए ही कीजिएगा भाई। सामान्य रूप से आप उनका पूजन कीजिए, उन्हें भोग लगाइए और उन्हें सामान्य रूप से प्रसन्न कीजिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने किसी कार्य से, भाई आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या फिर आप किसी अन्य चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको इनकी साधना करनी चाहिए। अब कई बार भाई साधकों के मन में एक चीज़ और रहती है कि हमें भगवान नरसिंह की बस कृपा प्राप्त करनी है, इसलिए हम इनकी साधना करना चाहते हैं। तो आज जो साधना उपलब्ध करवा रहा हूँ उसको आप जो है भगवान नरसिंह की कृपा प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको नरसिंह भगवान के कुछ मंत्रों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इन मंत्रों को जो है अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद में मैं आपको भगवान नरसिंह की साधना की पूरी विधि भी बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को आप जो है पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी जानकारी छोड़ दोगे तो आपसे कोई भी बड़ी भूल हो सकती है, और भगवान नरसिंह की साधना है तो इसमें भूल ना हो, यही पूरी कोशिश कीजिएगा। देखिए, भगवान नरसिंह का जो बीज मंत्र है वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। ये एकाक्षर बीज मंत्र है और इस एकाक्षर बीज मंत्र में पीछे नमः लगाकर जाप किया जाता है। उसके बाद में आप इसका जाप करते हैं, और जब भगवान नरसिंह की साधना आप करोगे तो एक माला जाप आपको भगवान के बीज मंत्र का करना है। अब मैं आपको कुछ और अन्य मंत्र दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो मंत्र हैं, जैसे कि शुरुआत में जो मंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये भगवान नरसिंह का जयकारा लगाने का ही एक मंत्र, आप इसे मान सकते हो। इसमें आपको जय जय श्री नरसिंह है नमः बोलना होता है, तो इसका भी आप जो एक माला जाप कर लीजिएगा, जिससे कि भगवान नरसिंह आपसे प्रसन्न हो जाए। उसके बाद में अगला जो मंत्र है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। भाई जो भी व्यक्ति भगवान नरसिंह की साधना करना चाहते हैं कि भगवान नरसिंह हमारे धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और उनके इष्टदेव हैं नरसिंह देव, तो वो चाहते हैं कि नरसिंह देव की साधना ही हम करें, तो वो इस मंत्र का प्रयोग साधना में कर सकते हैं। उसके बाद में अगला मंत्र जो है वो शत्रु बाधा के लिए। भाई बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा शत्रु बाधा से परेशान हैं और विवश होकर भगवान की साधना को अंतिम चीज़ के रूप में कर रहे हैं, तो वो है जो है इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
अगला मंत्र जो है वो भी इसी चीज़ से संबंधित है। तो आप इनमें से किसी भी मंत्र का उपयोग वैसे कर सकते हो, लेकिन विशेष उद्देश्य के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक विशेष मंत्र हो गया, शत्रु बाधा से परेशान होने के लिए विशेष मंत्र हो गया। नहीं तो आप इनमें से किसी भी मंत्र का जो है साधना में प्रयोग कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उस मंत्र का आप जो है साधना में प्रयोग कर सकते हो। अब आता है भगवान नरसिंह का सबसे मुख्य मंत्र जिसका आपको साधना में जाप करना है, क्योंकि उसी के जब आप जाप करोगे तो उसी से आपको साधना में सिद्धि प्राप्त होती है, भगवान नरसिंह की कृपा प्राप्त होती है। वो भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो स्क्रीन पर आपको आपका मंत्र दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को भी जो है तीन तरीकों से बोला जाता है। एक तरीका तो ये है कि भाई जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको बोलना है, बिल्कुल सामान्य मंत्र है। अब इस सामान्य मंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, भाई आपको भगवान श्री नरसिंह की कृपा प्राप्त करनी है, उनको प्रसन्न करना है, तो आप बिल्कुल सामान्य रूप का ही प्रयोग कर लीजिए। लेकिन अगर आप इनके आगे और पीछे ह्रीम लगा देते हैं तो वो मंत्र विशेष हो जाता है और उसका उपयोग सामर्थ्य, राजनीति आदि चीज़ों के लिए किया जाता है। अब जो तीसरा इसका तरीका आता है वो होता है इसके आगे जो है भगवान नरसिंह का बीज मंत्र लगा देना। ओम श्रोम जो भगवान नरसिंह का बीज मंत्र है वो आगे लगा देने से ये मंत्र दिव्य मंत्र हो जाता है और इसका प्रयोग भी जो है आप शत्रु बाधा से संबंधित या फिर ऐसे अन्य परेशानी किसी विशेष कार्य के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इन तीनों में से आप किसी भी रूप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप भगवान नरसिंह को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी सामान्य रूप से साधना करना चाहते हैं, तो जो मैंने प्रष्ट मंत्र बताया जो आपको स्क्रीन पर दोबारा से दिखा रहा हूँ उसका आप जाप कीजिएगा। अब देखिए मंत्र में बोल के नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, अगर मैं वीडियो में बोल के बताता हूँ तो लोग उसे नहीं देखते, इसलिए मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। कोई दिक्कत आए तो आप बता दीजिएगा। अब देखिए किसी भी देवता की अगर हम साधना करते हैं, जो हमारे वैदिक देवता हैं, भगवान के अवतार हैं, तो उनकी साधना करते समय उनके गायत्री का भी जाप किया जाता है, क्योंकि जब हम उनके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उनसे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान नरसिंह तो बहुत ज़्यादा उग्र हैं, तो इसमें तो गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि अगर आप उनके इस मंत्र का जाप करोगे तो वो आपसे बिल्कुल भी कुपित नहीं होंगे और वो शांत स्वरूप में ही जो है आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान नरसिंह का गायत्री जाप जो है मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। गायत्री मंत्र को आप यहाँ से लिख लीजिएगा। और देखिए जो सारी जानकारी है वो मैं आपको अलग से लिखकर एक PDF बनाकर उपलब्ध करवा दूंगा। तो PDF कैसे उपलब्ध प्राप्त करते हैं वो मैं आपको अंतिम में बता दूंगा कि PDF आपको कहाँ से मिलेगी। तो ये सारे मंत्र थे जो कि आपको साधना में प्रयोग लेने हैं। अब कैसे कैसे इनको प्रयोग में लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका जो साधना का स्थान होगा वो कोई नरसिंह मंदिर हो सकता है, इसको आप अपने घर पे मत कीजिएगा, भगवान के मंदिर में करना है आपको, किसी भी नरसिंह मंदिर में कर लीजिए। और अगर आपको कोई नरसिंह भगवान का मंदिर नहीं मिल पाता है तो भगवान विष्णु का कोई भी मंदिर, उनके किसी भी अवतार का मंदिर ले लीजिए और वहाँ पर जाकर जो है आप इस पूजा को, इस साधना को कर सकते हैं। इसमें आपको भगवान नरसिंह का एक चित्र जरूर रखिए, आप जहाँ भी मंदिर में जाएँ तो वहाँ पर नरसिंह भगवान का चित्र ले जाएँ और वहाँ पर रखकर इसको कीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको जो है गुरु जी का और गणेश जी का पूजन करना है और फिर आपको संकल्प और प्राणायाम लेना होता है, जो आप ले लीजिएगा, मैंने आपको कई सारी वीडियो में भी बताया है। और आपका जो दिन रहेगा भाई, जिस दिन आपको ये साधना शुरू करनी है, वो नरसिंह जयंती का दिन होता है। नरसिंह जयंती के दिन से आप जो है इस मंत्र का जाप शुरू करते हैं। अब देखिए इस मंत्र का जो है आप जाप आप अपने इच्छा के अनुसार अपना जाप निश्चित कर लीजिएगा, भाई आप कम से कम 1,00,000 बार जाप जरूर कीजिएगा। अब वो 1,00,000 जाप एक दिन में मत कीजिए, आप 11 दिन में कर लीजिए, 21 दिन में कर लीजिए या 41 दिन में आप संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर जो है आप जाप कीजिए। इस साधना को आप दिन में कर सकते हैं, सुबह नहा धोकर जाइए और फिर मंदिर में जाकर गुरु जी का पूजन कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, संकल्प लीजिए और उसके बाद में भगवान विष्णु का आपको ध्यान करना है। भगवान विष्णु के शांत स्वरूप का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं बहुत सारी परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और उन सभी परेशानियों से परेशान होने के कारण विवश होकर मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आप कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हो रहे प्रभु, मैं आपके इस उग्र स्वरूप की साधना कर रहा हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा। मैं अज्ञानी बालक आपकी साधना में अगर कोई भूल भी कर दूँ तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे साधना में सफलता प्रदान कीजिए, मेरी यह इच्छा है, आप इसे पूरी कीजिएगा। इस तरीके से आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है और उसके बाद में आपको भगवान नरसिंह का जो है पूजन करना है, उनको स्नान कराना है। पूजन स्नान आदि के बाद में जो है धूप दीप जलाकर आपको भगवान नरसिंह से प्रार्थना करके उनके बीज मंत्र का जाप करना है 1 माला,
और उसके बाद में आपको जो है उनके जयकारा जो मंत्र मैंने आपको बताया था, जय जय श्री नरसिंहा है नमः, उसका जाप करना है। और उसके बाद में जो भी मंत्र मैंने आपको बताए हैं उनमें से आप किसी भी एक मंत्र को चुन लीजिएगा। भाई आपको सामान्य मंत्र दोबारा से स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, इस मंत्र का जाप सबसे ज़्यादा उचित रहेगा, तो आप इसे चुन लीजिए और फिर इसका जाप जो है आप शुरू कीजिए। अब बात यह है कि भाई आप जो है जो जाप प्रतिदिन करोगे वो निश्चित रहना चाहिए, यानी कि पहले दिन मान लीजिए आपने 11 माला जाप किया है तो दूसरे दिन भी आपको 11 माला जाप करना है। और संकल्प में आप पहले ही निश्चित कर दोगे कि भाई कितने दिन का संकल्प है, 21 दिन का संकल्प है तो रोज़ाना 11 माला जाप करना है आपको 21 दिन तक। इस तरीके से आपको अपना जाप पूर्ण करना है और जाप पूर्ण होने के बाद में भगवान नरसिंह को आप भोग लगाओ, भोग आप प्रतिदिन लगाइएगा। और जाप जब आपका पूर्ण हो जाए, साधना जब आपकी सफल हो जाए, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं आप उनको भोजन कराइएगा और नरसिंह भगवान का जो भोग होता है उसे गरीबों में बांट दीजिएगा। इस तरीके से आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। तब देखिए जब आप नरसिंह भगवान की ये पूजा कर रहे होते हैं तो कई बार लोगों के साथ क्या होता है, उन्हें स्वप्न में जो है शेर के दर्शन होते हैं या फिर भगवान नरसिंह का भी एक स्वरूप, उग्र स्वरूप उन्हें दिखाई दे जाता है, या फिर भगवान नरसिंह प्रहलाद को बचाते हुए दिखाई देते हैं, खंभा फाड़ के बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के भी दृश्य जो है साधकों को दिखाई दे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, वो सब जो है आपकी साधना की सफलता की ओर ही इशारा करते हैं। तो आपको डरना नहीं है, अगर कभी आपको कोई भयानक सपना आ जाता है जिसमें शेर आपको दिख जाता है तो आप जग जाएं, तो आप भगवान नरसिंह का जयकारा मंत्र जय जय श्री नरसिंहाय नमः का जाप कीजिए एक माला और फिर आप दोबारा से सो जाइए, आपको कोई भी भयानक सपना नहीं आएगा। और देखिए जब आप 1,00,000 जाप पूरा कर लोगे तो उसके बाद में जो है आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और इस मंत्र का जाप आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इस मंत्र का जाप वशीकरण में भी किया जाता है, लेकिन मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ भाई वशीकरण कभी मत कीजिए, क्योंकि तो भगवान नरसिंह की साधना है और अगर आपने इनके किसी भी मंत्र का या किसी भी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो उसके लिए जो है आपको ये बड़ी से बड़ी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए कभी भी इनके मंत्र और शक्ति का गलत उपयोग मत कीजिएगा। इनके मंत्र का आप किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हो, एक बार जब आपको इनके मंत्र की सिद्धि हो जाती है। अब देखिए एक बात और बता देता हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी जब सिद्धि हमें प्राप्त होगी तो किस प्रकार से हमें संकेत मिलेगा। तो देखिए जब आपको सिद्धि प्राप्त होगी तो आपको संकेत जरूर मिल जाएगा, आपको सपने में नरसिंह भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, शेर दिखाई दे जाता है, या फिर और भी कई सारे संकेत आपको जो है स्वप्न में मिल जाते हैं, या फिर प्रत्यक्ष रूप से भी आपको कई बार इसमें संकेत देखने को मिलते हैं जब आप भगवान नरसिंह का ध्यान करोगे। क्योंकि जब भी कोई साधना करो तो ध्यान जरूर किया कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शक्तियाँ जो होती हैं हमें प्रत्यक्ष आकर या फिर सपने में संकेत नहीं देती, लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हो तो ध्यान में आकर वो हमें संकेत दे जाती हैं कि भाई जो भी तुमने साधना की है हम उससे प्रसन्न हुए हैं और तुम्हारा जो मंत्र था वो सिद्ध हो गया है। तो इसलिए आपको ध्यान हमेशा करना चाहिए। तो जब आप भगवान नरसिंह का भी ध्यान करोगे तो हो सकता है कि आपको ध्यान में भी भगवान नरसिंह जो है संकेत प्रदान कर दें। और जब भी आप भगवान नरसिंह का मंत्र जाप करोगे, मंत्र जाप करके आंखें बंद करोगे तो तुरंत आपको भगवान नरसिंह के दर्शन भी प्राप्त हो जाया करेंगे। इस तरीके से भी आपको सिद्धि का पता चल जाता है। तो जब एक बार मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप इसे किसी भी प्रकार से प्रयोग में ले सकते हो। अगर कभी भी आपको कोई भय लगता है तो आप इसे प्रयोग में ले लीजिए, तुरंत इसका जाप कीजिए 11 बार 21 बार या फिर एक माला जाप कर लीजिए, आपका जो भी भय हो वह दूर हो जाएगा। आप रक्षा सूत्र बनाने में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, नज़र झाड़ने में, या फिर कोई भी तंत्र मंत्र बाधा परेशान कर रही है तो उसे भी दूर करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोई व्यक्ति भूत बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर लीजिए और फिर उस जल को उस व्यक्ति के शरीर पर थोड़े से छांटे मारिए और उस व्यक्ति को जो है पिला दीजिए, और थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके उसके चारों तरफ छिड़क दीजिए जिससे कि उसके आसपास का जो वातावरण है जो नकारात्मकता है वो भी दूर हो जाएगी, जिससे कि उसकी जो भी प्रेत बाधा जो भी भूत बाधा है वो अपने आप दूर हो जाएगी। देखिए तंत्र वादा भूत वादा इनमें भगवान नरसिंह का जो मंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। अगर भगवान के नरसिंह के इस मंत्र का प्रयोग आप तंत्र वादा भूत वादा या फिर किसी भी प्रकार के नज़र आदि में प्रयोग लेते हो तो तुरंत आपको जो है छुटकारा मिल जाता है, तो इसलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको भगवान नरसिंह की साधना उपलब्ध करवाई है, पूरी जानकारी मैंने आपको प्रदान की है कि किस तरीके से आपको साधना करनी है। अब देखिए भगवान नरसिंह की कथा जो है आप सभी लोगों को पता है कि भाई भगवान नरसिंह ने ये अवतार जो है भगवान विष्णु ने ये अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था, और ये कथा भी आप सभी को पता है। इसलिए मैं इस कथा के बारे में इस वीडियो में नहीं बता रहा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी और फिर आप लोग देखोगे नहीं,
इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, बस जो ज्ञान की बात है वही बताना चाहता हूँ। तो जिस प्रकार से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, अगर आप भी भगवान की पूर्ण मन से पूरी श्रद्धा से भक्ति करोगे, तो अगर आप कभी भी किसी भी संकट से गिर जाओगे तो भगवान किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी माध्यम से आपके पास आएंगे। हो सकता है कि आपको पता चल जाए या फिर हो सकता है कि आपको पता न चले, लेकिन भगवान आपके समक्ष ज़रूर आएंगे और आपको जो भी परेशानी है उससे उबार देंगे। तो इस तरीके से आपको भगवान नरसिंह की ये साधना सिद्ध होती है और उसके बाद में आप इस मंत्र का कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान नरसिंह की साधना का हमेशा सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसका दुरुपयोग करोगे तो उसके बाद में आप इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, इसलिए इसका हमेशा सदुपयोग ही कीजिएगा। अगर भगवान नरसिंह की साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो सारी जानकारी मैं ब्लॉग पर भी आपके लिए लिख दूंगा, तो आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपको वहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी, आप उस पोस्ट को आराम से पढ़ सकते हो। और ब्लॉग पर ही जो है आपको इसकी PDF भी देखने को मिलेगी। अब PDF कैसे डाउनलोड होगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ब्लॉग पर जाना है, ब्लॉग पर कैसे जाते हैं भाई, कुछ नए लोग आए होंगे उन्हें पता नहीं होगा, तो गूगल पर जाकर आपको श्रीराम परिवार SRP लिख के सर्च करना है। आप श्रीराम परिवार लिखोगे तो भी जो है हमारा ब्लॉग पहले नंबर पे आ जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आप तुरंत ब्लॉग के अंदर पहुँच जाओगे। जो पहली पोस्ट है वो आपको भगवान नरसिंह से संबंधित देखने को मिलेगी। आपको वहाँ पर अन्य और भी पोस्ट देखने को मिलेंगी जिनमें आपको कई प्रकार की अन्य पुस्तकें मिलेंगी, तो आप उन्हें भी प्राप्त कर सकते हो। आपको वहाँ पर कई अन्य साधनाएं भी मिलेंगी तो आप उन्हें भी देख सकते हो, और आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि आपको बार बार गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सामग्री वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे तो तुरंत आपके पास ईमेल आ जाएगी और आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है हमें वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि आपको बार बार गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब आप वहाँ पर हमारी पोस्ट पढ़ोगे, पहली पोस्ट, तो वहाँ पर पूरी साधना आपको मिल जाएगी। जब आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको पुस्तक डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपके होंगे 1111। जैसे ही आप 1111 पासवर्ड लगा दोगे आपकी पुस्तक तुरंत आपके सामने डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी। अब देखिए कई बार क्या होता है, लिंक को तैयार होने में कुछ समय लगता है, पुस्तक को तैयार होने में, तो वहाँ पर लिख के आ जाता है कि भाई आपको 10 सेकंड रुकना है या फिर 12 सेकंड रुकना है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, तुरंत आपके सामने डाउनलोड का बटन आ जाएगा। और जैसे ही डाउनलोड का बटन आए आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपकी पुस्तक आपके सामने डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी। अगर अन्य कोई परेशानी आए तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल हम जरूर करेंगे। जिन भी लोगों ने पुस्तकें मांगी हैं उनकी पुस्तकें जल्दी उपलब्ध करवा दूँगा, आप थोड़ा सा समय दीजिए। और अगर आपका अन्य कोई प्रश्न होता आप बता दीजिए। और देखिए मैं फिर से सभी की पुस्तकों की जो लिस्ट है वो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले तो सिर्फ मैं कमेंट फटके करता था, अब से मैं एक कागज़ में लिख लिया करूँगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिनकी भी पुस्तक मैंने उपलब्ध नहीं करवाई, उन सबकी एक सूची बना लूँगा और फिर उस सूची के माध्यम से आपको जो है मैं एक एक करके पुस्तकें उपलब्ध करवा दूँगा। तो आप सभी लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपका और कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भगवान नरसिंह का जयकारा एक बार कमेंट में ज़रूर लगाइएगा। भगवान नरसिंह की जय जरूर कमेंट में लिखिएगा, और जय माँ भवानी भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपका कोई और प्रश्न हो तो भी आप नीचे हमें पूछ लीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरी वीडियो को देखा और पूरी जानकारी को सुना। और एक चीज़ और जो आप बहुत सारे लोग नहीं करते, तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि जो YouTube है वो हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ने से जो अपना परिवार है श्रीराम परिवार उसका प्रसार प्रसार होगा, जिससे कि ये आगे बढ़ सके और ये कार्य हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से कर सके। इसलिए आप जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप नीचे भी कमेंट कर दिया कीजिए। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।